यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 6 दिया है बुल्ड फॉर्म। अगर हमें फॉर्म व्यू बनाना है डेटाबेस का, फॉर्म व्यू में देखना है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में समझाया था जब मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट की बात की थी कि फॉर्म क्या होता है, टेबल क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। तो फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हो। जो डेटाबेस आपने टेबल में एंटर किया है उसे फॉर्म व्यू में देखना, एज ए फॉर्म व्यू देखना, और देखने के बाद उसमें कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो आप उस फॉर्म व्यू की हेल्प से उसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पेज नंबर दिया है 288 पे फॉर्म हेडिंग दिया है, चैप्टर नंबर 6 दिया है। तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एक्सेस प्रोवाइड एन इजी टू ऑर्गेनाइज वे टू एंटर डेटा इंडिविजुअल और मल्टीपल टेबल यूजिंग फॉर्म। फॉर्म का यूज करके आप इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग या फिर एक से ज़्यादा टेबल में डेटा को एंटर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा टेबल अगर आपके पास है तो उसमें आप फॉर्म का यूज करके कर सकते हैं। दीज आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच हेल्प नॉट ओनली टू एंटर डेटा इन ए टेबल बट ऑल्सो टू सर्च द और मॉडिफाई द डेटा वैल्यू स्टोर इन ए टेबल। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है फॉर्म देखो तीन वर्ड लिखे हैं मैंने, एंटर, एडिट और सर्च। ये तीन वर्ड है, जरूरी नहीं कि केवल आप फॉर्म व्यू में डेटा को एंटर ही कर सकते हैं, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट से मतलब होता है डू एनी चेंज। कोई भी चेंज अगर आपको करना है डेटाबेस में तो आप फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। आगे इसमें दिया है यू कैन क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्म पर योर नीड यूजिंग द फॉर्म टूल्स और फॉर्म विजार्ड ऑप्शन। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म टूल्स की हेल्प से या फिर फॉर्म विजार्ड ऑप्शन है उसकी हेल्प से। तो हेडिंग दिया है क्रिएट फॉर्म यूजिंग फॉर्म टूल। फॉर्म टूल की हेल्प से अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं उनकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला दिया है स्टेप 1 सेलेक्ट द टेबल क्वेरी वेयर फॉर्म टू बी क्रिएट फ्रॉम द नेविगेशन पैन। सबसे पहले आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप फॉर्म लगाना चाहते हैं, जिस डेटा में आप फॉर्म लगाना चाहते हैं उसको आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर उस क्वेरी को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप देना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 दिया है क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन इन द फॉर्म ग्रुप ऑफ द क्रिएट टैब। तो क्रिएट टैब में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे फिर, क्रिएट टैब में चले जाएंगे। दिस विल क्रिएट ओपन ए फॉर्म इन द लेआउट व्यू। तो क्या हो जाएगा, जब आप क्रिएट टैब में जाएंगे, क्रिएट टैब में आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। कैसे क्रिएट करेंगे भाई फॉर्म को, क्रिएट टैब, ठीक है, क्रिएट टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का, और आप ऑप्शन में किस में क्रिएट करेंगे, लेआउट व्यू, लेआउट व्यू। देखिए जब हम टेबल बनाते हैं तो डेटाबेस, इससे पिछले वाला चैप्टर मैंने आपको समझाया था क्रिएट अ टेबल, तो टेबल बनाने के उसने दो व्यू बताए थे, डिजाइन व्यू और डेटा सीट व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्म लगानी है तो फॉर्म लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट व्यू का यूज करेंगे। कौन सा व्यू, लेआउट व्यू। फॉर्म अगर लगाएंगे तो वो लेआउट व्यू में लगेगी। उसके बाद करना क्या है, क्लिक ऑन व्यू इन द डिजाइन टैब एंड चूज द फॉर्म व्यू ऑप्शन। फिर हम डिजाइन टैब में जाएंगे, वहां से फॉर्म व्यू ऑप्शन चूज कर लेंगे। द फॉर्म व्यू ऑप्शन कैन बी यूज द न्यू रिकॉर्ड और एडिट द एग्जिस्टिंग वन। तो फॉर्म व्यू ऑप्शन में आप अगर आपने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है टेबल में
और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ओके बटन टू सेव द फॉर्म। ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपकी फॉर्म सेव हो जाएंगी। जैसा कि बुक में दिखाया भी गया है, पेज नंबर 289 पर आपको पिक्चर्स दी गई है। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं फॉर्म व्यू किस तरह से आपको नज़र आता है। तो पहला ऑप्शन था हमारा टूल के थ्रू अगर हमें फॉर्म क्रिएट करनी है तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिएट फॉर्म यूजिंग द फॉर्म विजार्ड। अगर फॉर्म विजार्ड की हेल्प से हमें फॉर्म क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके क्या ऑप्शन रहने वाले, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसने कहा है एक्सेस ओवर इजी एंड द कन्वेंट वे टू डिजाइन कस्टमाइज फॉर्म यूजिंग द फॉर्म विजार्ड टूल। एक्सेस आपको जो है फॉर्म विजार्ड टूल प्रोवाइड कराता है कस्टमाइज करने के लिए। अपने हिसाब से आप डिजाइन करना चाहते हैं फॉर्म को तो फॉर्म विजार्ड की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, टू स्टार्ट विद फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन दिया है, पहला स्टेप क्या कह रहा है, क्लिक फॉर्म विजार्ड ऑप्शन इन द फॉर्म ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में जाएंगे, वहां आपको फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा भाई, क्रिएट टैब और डायरेक्टली फॉर्म विजार्ड। ठीक है भाई, फॉर्म विजार्ड कहाँ जाना है, क्रिएट टैब में जाना है। फॉर्म विजार्ड का आपको ऑप्शन वहां दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। वन मिनट। तो फॉर्म विजार्ड आपके सामने खुल के आ गया है, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, सेलेक्ट द टेबल क्वेरी फ्रॉम द टेबल क्वेरीज ड्रॉप लिस्ट विच डेटा फॉर्म इज टू बी क्रिएटेड। तो आपको वहां पर बहुत सारी क्वेरीज मिलेगी, यानी कि बटन्स वगैरह मिलेंगे। बटन कैसे मिलेंगे, मान लीजिए आपके पास डेटा है उसको फॉर्म व्यू में ले लिया आपने, तो फॉर्म व्यू में वो आपको अलग अलग पेजेस में आ जाएगा। टेबल में तो सारा डेटा एक साथ दिखाई देता है, लेकिन जब फॉर्म व्यू में आ जाते हैं तो फॉर्म व्यू में इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग डेटा आता है। जैसे कि हमें किसी अलग अलग पेज को डिफाइन करना हो, अलग अलग देखना हो, तो उसके लिए क्वेरीज क्या क्या आ जाएंगी, बटन आ जाएंगे। बैक जाने के लिए, इनके पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए बैक बटन पर क्लिक करेंगे, और अगला रिकॉर्ड देखने के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना हो फॉर्म में ही, तो यहां पर ऐड न्यू बटन लगा लेंगे। तो ये है फॉर्म विजार्ड, जो अपने हिसाब से हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। द फील्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड टेबल क्वेरी विल गेट लिस्टेड इन द अवेलेबल फील्ड बॉक्स। टू सेलेक्ट द फील्ड फॉर योर डाटा फ्रॉम यूज बटन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द फील्ड विल बी शिफ्ट एंड सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स। तो नीचे पेज नंबर 289 पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे बटन्स भी दिए हैं, तो आप उन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट रिकॉर्ड जाने के लिए नेक्स्ट बटन लगा सकते हैं आप, नेक्स्ट लिखा हुआ भी आएगा, अगर लिखा हुआ नहीं चाहते तो एरो आ जाएगा। बैक जाने के लिए बैक बटन आएगा, बैक बटन लिखा रहेगा, या फिर आप एरो का यूज कर सकते हैं। आगे क्या दिया है इसने, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 4, क्लिक द नेक्स्ट बटन टू मूव द फ्रॉम लेआउट ऑप्शन, सेलेक्ट योर लेआउट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। नेक्स्ट रिकॉर्ड से नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो हम अगली फॉर्म पे चले जाएंगे। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो। फिर स्टेप क्या दिया है, क्लिक सिलेक्टेड नेक्स्ट बटन टू मूव द लास्ट स्टेप। उसके बाद स्टेप की बात की है इसने, तो फिनिश कर देंगे, फिनिश का बटन आ जाएगा, तो आपका फॉर्म बटन क्रिएट हो जाएंगे आपके। इस तरह से बटन क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये था फॉर्म विजार्ड, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस में कोई भी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया है इसने, नेविगेशन रिकॉर्ड इन ए फॉर्म। फॉर्म में अगर कोई भी हमें नेविगेशन डालना है, कोई भी रिकॉर्ड्स डालना है, तो कैसे हम डाल सकते हैं।
नेविगेशन रेफर टू द मूविंग फ्रॉम रिकॉर्ड टू अनादर। नेविगेशन का मतलब है अगर हम अपने रिकॉर्ड को एक जगह से दूसरी जगह रेफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं नेविगेशन बटन एट द अवेलेबल बॉटम फ्रॉम द रिकॉर्ड अनादर सर्च ऑफ द स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंट्री। चलिए भाई आगे क्या दिया है इसने, व्यू इन ए फॉर्म। फॉर्म कितने व्यू से हम फॉर्म को देख सकते हैं, क्या दिया है इसने कि कितने व्यू में हम अपने फॉर्म को देख सकते हैं। तो पहला दिया है इसने व्यू, दे आर द थ्री व्यू विच आर द फॉर्म कैन बी डिस्प्ले। फॉर्म को हम थ्री व्यू में देख सकते हैं, कितने व्यू में देख सकते हैं भाई, थ्री। पहला क्या है फॉर्म व्यू, दूसरा है लेआउट और तीसरा है डिजाइन। अब इन तीनों में हम अपने फॉर्म को देख सकते हैं और तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया दे आर द थ्री व्यू विच ए फॉर्म कैन बी डिस्प्ले। हम तीन तरीके से अपने फॉर्म को देख सकते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। टू द स्विच बिटवीन द व्यू क्लिक द व्यू ऑप्शन। अगर हम एक फॉर्म से दूसरे डिजाइन पे जाना चाहते हैं, जैसे आप फॉर्म व्यू पे हैं, फिर आप लेआउट व्यू पे जाने चाहते हैं, फिर लेआउट व्यू पे है तो आप डिजाइन व्यू पे जाने चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे इसको स्विच। व्यू ऑप्शन आता है हमारा कहाँ पर, व्यू डिजाइन टैब में व्यू ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप व्यू में जाके देख सकते हैं। द थ्री व्यू गेट डिस्प्लेड, तो नीचे थ्री व्यू दिए हैं, सबसे पहले दिया फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू यूज टू एंटर और एडिट डेटा, फॉर्म व्यू में हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। लेआउट व्यू में अलाउ यू टू सी द डेटा वे इट विल बी अपेयर व्हेन यूजिंग द फॉर्म, यू कैन आल्सो चेंज द फॉर्म डिजाइन इन दिस व्यू। आप लेआउट वे में अपने फॉर्म का जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। द फॉर्म इज एक्चुअली रनिंग व्हेन द सो इज द लेआउट व्यू। डिजाइन व्यू क्या देता है आपको, डिजाइन व्यू गिव योर मोर डिटेल्स व्यू स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉर्म, यू कैन सी द थ्री सेक्शन ऑफ द फॉर्म फ्रॉम हेडर डिटेल्स फ्रॉम फुटर फ्रॉम द नोट एक्चुअली रनिंग व्हेन द सो ऑन द डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में आपको डिटेल्स में दिया जाता है और इसमें आप जो है तीन डिटेल्स में अपने फॉर्म्स को देख सकते हैं। तो ये थ्री व्यू है, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू और फॉर्म व्यू, जिसमें आप अपनी फॉर्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट में तो भाई ये चैप्टर ही खत्म हो गया और तो कुछ नहीं है इसमें, बस यही था इसमें फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसमें एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए बात कर लेती हमारी फॉर्म की, इसने कहा बुल्ड आप फॉर्म। अगर हमें फॉर्म बनानी है सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर्म बनाते कैसे हैं, तो उसमें दो तरीके बने हैं, टूल व्यू से जा सकते हैं आप, टूल व्यू से, या फिर फॉर्म क्रिएट टैब में जाएंगे फॉर्म व्यू आपको मिल जाएगा, तो फॉर्म टूल की हेल्प से भी आप फॉर्म बना सकते हैं, या फिर आप फॉर्म विजार्ड की हेल्प से बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बनेगी कैसे, ये नहीं आपने क्लिक कर दिया आपकी टेबल आ गई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पिछला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ना टेबल वाला, टेबल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको दो तरीके से टेबल बनानी सिखाई, एक डेटाबेस व्यू है और एक है फॉर्म व्यू, सॉरी डिजाइन व्यू। तो सबसे पहले तो आपको टेबल क्रिएट कर लेनी है, एक छोटी सी टेबल बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए इसमें नेम हो गया रोल नंबर क्लास, ठीक है भी? अब नेम वाला जो फील्ड है हमारा, नेम के नीचे नेम फिल करेंगे हम, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर फिल करेंगे और क्लास के नीचे क्लास फिल करेंगे। ऐसे ही 10, 15, 20 जितने स्टूडेंट चाहे इतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फिल कर देंगे। फिर इसी रिकॉर्ड से बन जाती है हमारी फॉर्म। क्रिएट टैब में जाएंगे, क्रिएट टैब में जाने के बाद आप फॉर्म बना सकते हो, तब ये फॉर्म आपको बड़ा करके दिखा देगी डेटा को अलग अलग, यानी कि एक जब आपके सामने जो डिस्प्ले होगी उस पर एक ही बच्चे का रिकॉर्ड आएगा सामने। नेक्स्ट जानने के लिए हम क्वेरी में, जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए हम ये बटन बना लेते हैं, जो मैंने बटन के बारे में आपको बताया फॉर्म विजार्ड की हेल्प से ये बटन बन जाते हैं हमारे। इसकी हेल्प से आप जैसे ही बटन बनाएंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, नेक्स्ट बटन की। अगर हमें प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना है
अगर हमें प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना है तो क्या करेंगे, हम प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे। कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है तो नए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन है हमारे पास, तो ऐड न्यू बटन का यूज करके भी हम जो है अपने डेटा में एंटर कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म का तरीका, किस तरह से आप बना सकते हैं और कितने तरीके से आप फॉर्म को देख सकते हैं। तीन तरीके बताए हैं फॉर्म को देखने के लिए। फ्रॉम व्यू में देख लीजिए, इस व्यू में आप एडिट भी कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं। लेआउट व्यू में देख सकते हैं, डिजाइन व्यू में देख सकते हैं। डिजाइन व्यू में आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेगी, अलग अलग सेक्शंस में आप अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन लेआउट व्यू में भी आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म को बनाने का तरीका ये था, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट इसे समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पर्सनली वो फ़ोन करके भी पूछ सकता है मेरे से कि सर हमें समझ में नहीं आया। बाकी मैंने प्रैक्टिकली भी जब स्कूल में आप लोग आए थे प्रैक्टिकली चैप्टर को अच्छे से कंप्यूटर लैब में समझाया था, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Gracias.